मैं दीक्षा पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुकन्या केयर परिवार के सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जिनकी असीम कृपा से मुझे इस संस्था से जुड़े रहने का सौभाग्य मिला। मैं आज आप लोगों को इस संस्था की विशेषताओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह संस्था वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर काम कर रही है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर काम कर रही है। समाज में और परिवार से तिरस्कृत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है। ये उन सभी महिलाओं को फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने पर काम कर रही है। ये एक ऐसी संस्था है जो एक समाज में तिरस्कृत महिला को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करती है। उनको समाज में, उनके परिवार में, घर में एक अलग जगह और इज्जत दिलवाने का काम करती है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके इस संस्था के लिए सहयोग करिए, जुड़िए। अगर आप लोग अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, आप लोग रिच हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग इस संस्था से सहयोग के लिए जुड़िए। उन बहन बेटियों को सहयोग प्रदान करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको आपकी ज़रूरत है। यकीन मानिए, आपको असीम खुशी की अनुभूति होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह संस्था ऐसी संस्था है जो उस पंडित की भांति काम करती है जो पंडित सड़क से गोबर को उठा करके और गौरी का रूप दे देता है और हजारों श्रद्धालुओं को उस गोबर के सामने सर झुकाने पर मजबूर करता है। ये संस्था सेम उसी तरह से है। ये संस्था उन औरतों को इतना ऊपर ले जाती है और उनको समाज में वो स्थान दिलाती है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकती हैं। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे इस संस्था के बारे में जब पता चला, मैं कल्पना से परे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है इस संस्था से जुड़ करके, इस संस्था में योगदान दे करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि हमारे पूजनीय नारायण सर इस समय एक मिशन पे हैं, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जितना आपसे हो सके उतना योगदान करिए, फ्रेंचाइजी उठाइए, लोगों को अवेयर करिए, हमारी संस्था के बारे में बताइए और जल्द से जल्द उनको प्रेरित करिए कि वो एक धर्म का काम कर रही हैं, एक अच्छा काम कर रही हैं और इससे उन करोड़ों औरतों को